जो यहाँ पे हादसा हुआ था और हरीश जाटव जी की मौत हुई थी, उसका हम सभी को दुख है। उसके पश्चात उनके पिताजी की भी मौत हुई, तो आज जो दुखित परिवार है उसको सांत्वना देने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए हम सब यहाँ पर आए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगह देगा। परिजनों की कुछ मांगे हैं और जो SP हैं उनके तहत नई सिरे से जांच चालू होगी कल से, और मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय मिलेगा। जो भी आरोपी हैं FIR में उसकी सघन जांच होगी और न्यायपूर्वक कार्रवाई करने के बाद अगर कोई जो भी दोषी होगा उसको पूरी सज़ा मिलेगी, लेकिन ये जांच के पश्चात होगा। किसी भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय हो, कानून सबके लिए बराबर है। और अगर ऐसा कोई हादसा या प्रकरण सामने आया है जिस प्रकार से परिजन बोलते हैं, तो उसकी पूरी सघन ईमानदारी से पारदर्शिता से जांच होगी। अगर जांच में तथ्य कुछ पाया गया तो कानून के अनुरूप उस पर कार्रवाई भी करेगी सरकार। कि जो नए SP हैं यहाँ अलवर जिले के लगे हैं, उनके अंदर एक नई जांच शुरुआत होगी और नई सिरे से जांच होगी, और जांच तथ्यों के आधार पर होगी और सबको संतोषजनक उस कार्रवाई पर देखने का उसको मौका मिलेगा। और जो परिजन हैं वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे कि जो हमने FIR लिखी है उसके अनुरूप जांच हो, और मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी जांच होगी पूरी पारदर्शिता से होगी, न्यायपूर्वक होगी, और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर भी सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। पायलट साहब, कुछ आश्वासन जांच का विषय है, जैसे मैंने कहा जांच चालू होगी, उसमें जो भी तथ्य सामने आएगा उसको बड़े पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार उसका फॉलोअप करेगी, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जिस प्रकार से एजेंसीज का रवैया रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल होना इसका ये मतलब नहीं कि आप दोषी करार दिए गए, और कानून अपना काम करेगा, न्यायपालिका में अपनी बात को, अपना पक्ष वो रखेंगे पूरी तरह से, हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह मीडिया में एक माहौल बनाया गया है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं जाँच को भी हैम्पर कर सकता है।